फर्स्ट थिंग केम दैट यू नो कुछ पार्टी नंबर करते हैं कुछ यू नो जो मैं हमेशा करते आते हैं बट ऑल ऑफ सडन आई हैड अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक रजर्स रखे हुए हैं. मैंने मैम को सुनाया, मैंने बोला प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है आप उसे प्लीज़ ट्राई कीजिए, यू नो आई वॉन्ट यू टू ट्राई सिंगिंग दिस सॉन्ग. एंड शी सैंग इट सो ब्यूटिफुली कि गाना वहीं लॉक हो गया. हमने बोला यही गाना करेंगे. एंड यू नो जो लोगों का एक इमेज था कि ममता जी सिर्फ एक आइटम नंबर गा सकते हैं, तो इस गाने से लोगों को ये पता चलेगा कि ये कितने वर्सेटाइल सिंगर हैं. ये शी कैन सिंग इन सो मेनी लैंग्वेजेस ऑल्सो, एंड पंजाबी इज अगेन वन लैंग्वेज विच इज कम आउट वेरी ब्यूटीफुल. एंड जैसे ही हमने ये गाना पुल आउट किया एंड वी डिसाइडेड कि ये गाना अधूरा लग रहा है बोहेमिया बाजी के बिना, तो यू नो वी बोथ डिसाइडेड दैट वी शुड कॉल बोहेमिया बाजी. सो हमने बोहेमिया बाजी को कॉल किया, गाना भेजा, एंड जैसे ही उन्होंने गाना सुना ही वाज सो एक्साइटेड, ही वाज सो हैप्पी. ऑन द स्पॉट उसी रात को उन्होंने मतलब गाना लिख के हमें वापस भेज दिया इंस्टेंटली, एंड ही सेड वी आर ऑन, लेट्स डू द सॉन्ग. सो दिस इज हाउ द एंटायर सॉन्ग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द सॉन्ग के. Obviously after hearing to Munni, Fevicol, Aare Pritam Pyare, you know I was also मेरे को लगा शायद गा पाएंगे नहीं गा पाएंगे, मुझे डांस नंबर के लिए एक्चुअली कांटेक्ट किया था. तो आई डिडंट नो कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही हुआ एंड सो ब्यूटिफुली जो फील से इन्होंने गाना गाया और जो पंजाबी टोन आया, हम जैसे पंजाबी PTC अवार्ड पे परफॉर्म करने गए थे लाइव, वहाँ पे लोगों ने इतना पसंद किया गाना कि ऐसे अब लग रहा है कि ममता शर्मा जी अब पंजाबन बन गई है. शी इज गोना गेट शी इज ऑलरेडी गॉट सो मेनी ऑफर्स टू सिंग पंजाबी सॉन्ग्स. असी अभी हाँ. तो थोड़ा थोड़ा निकी निकी पंजाबी सीख दिया. From singing good peppy songs and slightly a romantic pura transition hai, but obviously singers are versatile. Yeah. And you have a beautiful voice. So aapka kya take raha pure journey? मैंने जैसे कि राम जी ने बताया कि हम लोग जब मिले थे तो एक्चुअली एक डांस नंबर के लिए मिले थे, बट व्हेन ही मेड मी हियर दिस सॉन्ग इट वाज सो ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक. मैंने इंस्टेंट वहीं पे गाया, हमने तभी वो अपना गाना छोड़ के ये गाना पहले गाया. जैसे ही डब हुआ वो जैसे उसका आउटकम आया तो वी वर सो एक्साइटेड, आई माई सेल्फ गॉट सो शॉक कि मतलब इतना डिफरेंट मेरा टोन लग सकता है. आई वॉज लाइक उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रैक भी बनाया और लिरिक्स आर सो गुड. पापा ने आई थिंक लिरिक्स लिखे हैं, बहुत ही प्यारे लिरिक्स लिखे हैं. तो दिस इज़ हाउ इट ऑल एंडेड अप. एंड जैसे ही डिसाइड हुआ कि अभी क्या करेंगे तो कुछ तो मिसिंग है, तो फिर बोहेमिया बाजी का जिक्र निकला और उन्होंने भी बहुत पसंद किया ट्रैक व्हेन ही गॉट कोलैबोरेटेड विद अस. बोहेमिया बाजी के अपने सपने गाने सुनेंगे, दिस इज द वेरी डिफरेंट जॉनर जो उन्होंने ट्राई किया है, सैड रोमांटिक पंजाबी पहली बार बोहेमिया बाजी ने भी किया है, एंड इट इज कम आउट सो गुड एज अ कोलैबोरेशन बिटवीन ममता जी एंड. सीरियसली मेरा तो फर्स्ट कोलैब है उनके साथ, सो आई वाज लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हिम. एंड उनके लिरिक्स वाकई में मतलब दिल को छू जाने वाले लिरिक्स हैं, मतलब रैपिंग में मैं पहली बार ऐसा लिरिक्स सुनी, सो आई वाज लाइक इट वाज समथिंग न्यू. सो कहीं ना कहीं यू नो एक सिंगर के लिए हमेशा रहता है यू नो एक टाइप कास्ट हो जाता है जब हम गाने करते हैं, तो आपको एज अ सिंगर कहीं यू नो डीप इन योर हार्ट था कि यू नो आई वुड वांट टू सिंग अ सॉन्ग नाउ मैं राम जी? ऑफ कोर्स सच बोलूँ तो डेफिनेटली, एंड आई थिंक हर सिंगर चाहता है कि वो अपनी प्रतिभा को दिखा पाए और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाए. सो इवन आई वॉन्टेड टू सिंग समथिंग मेलो, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई डू, बट इसका मतलब ये नहीं कि आई डोंट लाइक माई डांस नंबर्स, आई रियली इंजॉय दैट थॉरली. शी इज वेरी वेरी वर्सेटाइल एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो ममता जी सिंग्स इन सो मेनी अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, एंड शी इज गॉट सो मेनी हिट्स इन द साउथ साइड एंड नाउ द पंजाब सेक्शन इज ऑल्सो ओपन. So I just loved this part also ki people are getting to know my versatility in singing, so this is something really different for me, something new. So your nayi journey kitni how is the whole trip going? Hota hai ek nayi journey pe aap fantastic. I said ki ek to gaane ko itna acha response mil raha hai, the collab is so good, Ramji's music is fantastic, and he himself is such a nice person. So I'm like loving this journey altogether, because Bohemia Paji was also so cooperative, so nice, and he is also promoting the way he can. And unne PTC mein bhi isko perform kiya tha, which was immense, uska response aaya hai. So I guess log bhi usko utna hi like kar rahe hain jitna hum logo ne like kiya tha instant jab suna tha gana. So it was meant to be like this way, I think. Ramji. Yeah.
Yes, and we already touching, I think, around 4 million plus views in just less than 4 days, you know. Yes. So that's like an achievement, and we have released it on our own label with Ashraf Ji, One yes. Music Originals. Originals. So yes. कोई बड़ी कंपनी का इसमें बैकअप नहीं है. ये बहुत ही मेहनत से इन्हें बनाया है और उन्होंने प्रोड्यूस किया है ये पूरा गाना अशरफ जी ने. So I think lot of efforts, and on a new label we have got an immense response. Very good response. See, in today's time, around music, I think this is the best era for singles, for our artists, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि पिछले एक दो साल से जो भी हिट गाने आ रहे हैं बॉलीवुड में वो भी किसी ना किसी आर्टिस्ट के सिंगल्स ही रहे या तो गाने रीमेक आ रहे हैं. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एरा फॉर सिंगल्स. एक आर्टिस्ट को अपनी दे डोंट रिक्वायर एन प्लेटफॉर्म. इफ योर म्यूजिक इज गुड, इफ द सॉन्ग इज गुड, इट रीचेस, यू नो, म्यूजिक फ्लोज, पीपल लाइक इट. यस, तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम बैक टू बैक सिंगल्स करें और यू नो टू रीच द राइट ऑडियंस एट द राइट प्लेटफॉर्म्स. और our trial is very successful, log pasand kar rahe hain gaano ko, and Rajrat se to we've got a very 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 good response. Mamta ji, what would you say on the same? Bahut hi acha, jaisa ki Ram ji ne kaha ki bahut hi acha time period chal raha hai for artists also, because solo artists ko bhi Bollywood mein bhi bahut easily entry mil raha hai, because unke solo tracks itna acha hit kar rahe hain digitally all over the world. तो उनको अपनी एक पहचान मिल रही है, और प्लस सबसे बड़ी बात, वो जो करना चाहते हैं अपने ट्रैक के साथ, दे आर प्रेजेंटिंग इट दैट वे. इसमें किसी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं है किसी का भी. इवन हमारी जो कंपनी है वन म्यूज़िक ओरिजिनल्स, उसने किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं दिया, बल्कि हर तरीके की आज़ादी दी हमें कि हम कैसे ट्रैक बनाना चाहते हैं, रैपिंग कितना रखना चाहते हैं, शूट कैसा करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं. आई थिंक एवरी थिंग वॉज लाइक फ्री. तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो प्रतिभा होती है वो 100% निकल के बाहर आती है. पीपल get to know ki okay you are doing this thing and it's what it is, it's not changing through, you know, jab aap company ko approach karte hai, I think kahin na kahin thodi thodi cheeze changes hoti rehti hai. So I think jo banana chahte hai kabhi bhi artist exactly waisa nahi ja pata, but over here it's the pure thing what was made in the studio, it's yes. there out. Aap se obviously bina gaana sune chale aapko to एक ता दिल दा हाल बुरा एक तनहाई जाने नहीं इंज ना लंग दी रात सुबह तेरे नाल प्रीत जे पानी नहीं यार यार वे सुन के तार वे नींदा अपनिया खोया रज रज अखियां रोया जग दिया तेरिया होया रज रज अखियां It was hidden inside, but the acting part is very tough. I always have said that before also. It's really, really tough. We've acted so well. But वो पता है वो वाले शॉट से कि जब खाना नहीं दे रहे हैं, जब नींद से उठा के लाए नहीं राम जी नहीं कमिंग, ये वो सारे शॉट्स हैं. These are not. But she actually sacrifices a lot. I've seen. We've been on the shoot, you know. She's really taken all the care of. What to eat, what not yeah. to eat, so much but of sacrifice, which I can never do really in my life. That's the reason I always say that acting is really, really tough. Singing is much, much better than that. But are you enjoying this phase now? I am, yes, 100%. Ramji, where have you shot the video? This video, actually, I was not being part of the shoot. Yes, so, ma'am, will yeah. be able to give myself San Francisco, we have shot this. Okay. It's directed by Jay Hin. It's a team of Bohemia. So, they have done this, yes. So why, I mean, was it a Good locations. Yes, actually that was the main concept. Okay, we needed a good grand location with a beautiful vibe, and you can see in the video it has come up so well. It's shot really well. Bahut hi acha lag raha hai. It's nice and beautiful. I really enjoy that, and even people are enjoying the place now. Thank you so much. Our producer is also here. I think we should call him. Come here.